Hey guys, welcome back to another vlog. And जैसा कि पहले दिखाया, हम कार से गोवा आ चुके थे. तो उस टाइम बताया नहीं था कि गोवा आए क्यों हैं, अब बता रहे हैं. हमारे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा गेट टुगेदर है एंड हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बुला लिया है. सबने वो गोवा प्लान बनाया है जो कि कैंसिल नहीं हुआ है. तो वो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं दिल्ली से. अभी ऑलमोस्ट 10:15 बज रहे हैं, उनकी फ्लाइट लैंड करने वाली है 20 मिनट में. हम देख चल रहे हैं, अभी हम जाएंगे यहाँ से कार से अपने दोस्तों को पिक करने के लिए. वो आए हैं गोवा के जो नया वाला एयरपोर्ट है वो नॉर्थ गोवा के पास होता है. तो अगर आपका स्टे नॉर्थ गोवा में प्लान है, जैसे कि हमारा एयरबीएनबी का स्टे नॉर्थ गोवा में प्लान है, तो वो आप नॉर्थ गोवा वाला एयरपोर्ट चूज कर सकते हैं जब आप फ्लाइट बुक करो. यूजली थोड़ा प्राइस डिफरेंस होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा. एंड अभी के लिए मतलब बहुत थके हुए थे तो हमने एयरबीएनबी का टूर नहीं दिया, लेकिन आज हमने एयरबीएनबी का टूर भी देना है तो वो स्टार्ट करते हैं. तो हमने चेक इन कर ही कर लिया था एंड अभी हमारा थोड़ा बहुत सामान तो पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है उतना. तो एयरबीएनबी बहुत ही प्यारा है, आप पीछे देख सकते हैं मेरे बहुत सारे इंस्टाग्रामेबल वाली पिक्चर्स के लिए बहुत सारी स्पेसेस हैं यहाँ पे. और स्पेशली मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, स्पेशली ये वाला एरिया जो है वो बहुत ही प्यारा है. और जब यहाँ पे हम लैम्प्स ऑन कर लेते हैं वो शाम में जब दिखाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगने लगता है. तो ये एयरबीएनबी अराउंड 4 पीपल को अकोमोडेट करता है एंड ये 1 BHK है. बट अगर आप 4 लोग आ रहे हो, जैसे 4 दोस्त आ रहे हो फॉर समथिंग, फॉर अ पार्टी और समथिंग, तो आप इसको बुक कर सकते हो. यहाँ से ये व्यू है. ये इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बालकनीज दोनों रूम से मिल जाती है, मतलब एक जो आपका हॉल एरिया है वहाँ से मिल जाती है सोफे के पास से, और दूसरा बेडरूम से भी है. ये बालकनी बहुत प्यारी सी है, यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं थोड़े, और पूरा इतना प्यारा व्यू है कोकोनट ट्रीज का. मैंने तो बहुत सारी फोटोज यहाँ पे खिंचवाई हैं. सो ये है एंड इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा टीवी है. ये आ जाता है डाइनिंग कम ऑफिस सेटअप एरिया. ये लैपटॉप्स तो हमारे हैं बट ऐसे ये आ जाता है. इन्होंने हर जगह लैम्प्स एंड ऑल दे रखे हैं, तो आपकी जब पिक्चर्स वगैरह जब आप क्लिक करते हो तो वो बहुत क्यूट आती है. एंड आई एम इन लव विद द किचन, मतलब इतना स्पेशियस किचन है एंड बहुत सुंदर बना रखा है किचन. एंड सी दिस द बेस्ट पार्ट. अच्छा, एक चीज और मैं दिखाना भूल गई आपको, उधर भी है मिरर, वो दिखाती हूँ. सो दिस इज वेरी नाइस. थोड़ा मैंने साफ भी कर दिया, कल तो फैल गया था. तो ये है एंड यू हैव RO, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ ही है वो, मतलब. एंड बहुत प्यारा है, इवन यू कैन क्लिक पिक्चर्स इन किचन आई वुड से. तो ये है. इसके अलावा ये वाला मिरर आई वॉज टॉकिंग अबाउट. हेलो, सो दिस इज दिस एंड यू कैन क्लिक वेरी गुड पिक्चर्स यहाँ पे भी. जब आप लोग घूमने वगैरह आते हो तो गोवा में स्पेशली एक क्राइटेरिया हमारा ये भी रहता है कि प्लेस जहाँ हम बुक कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई हर टाइम बाहर नहीं जा रहा होता, धूप होती है एंड ऑल ऑफ दैट, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. तो आप एक क्राइटेरिया ये बन जाता है कि एस्थेटिक प्लेस भी होना चाहिए. उस हिसाब से ये एयरबीएनबी बहुत प्यारा है. इनफैक्ट इसका लोकेशन भी बहुत प्यारा है. ये बागा से अराउंड 4-5 मिनट्स की स्कूटी से दूर है एंड बिल्कुल मेन एरिया में है, तो ऑटोमेटिकली बहुत फीजिबल हो जाता है. प्राइसेस भी बहुत फीजिबल है, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसको बुक कर सकते हैं. एक चीज है कि लास्ट बेडरूम मैं नहीं दिखाऊंगी अभी आपको, क्योंकि वो बहुत फैला हुआ है. मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ. तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स बना रखे हैं इन्होंने. एंड ये है हमारा वॉशरूम अगेन. इनफैक्ट मतलब इनका मिरर्स का वर्क बहुत प्यारा है, आई लाइक इट. हेलो, हर जगह इन्होंने प्लांट्स रख दिए हैं. एंड इनफैक्ट यू हैव दिस छोटू क्यूट मिरर विद जूम्स इन एंड जूम्स आउट, सो दैट इज देयर. सो और ये वाला इनका बेथिंग एरिया है, इट हैज नाइस कर्टन्स, गीजर एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर.
So I would say it is a very nice property and bedrooms जब आपका भी साफ हो जाएगा अगर हमारा सेटल कर लेंगे तो उसका भी टूर देंगे बट अभी के लिए तो यही है एंड चलिए अब चलते हैं अपने दोस्तों को पिकअप करने के लिए पहुंच चुके हैं मोपा और यहाँ पे शायद कार सिर्फ 5 मिनट्स के लिए अलाउ करता है तो बेनती करा दी तो अभी हम आए थे तो हमें वापस जाना पड़ा क्योंकि उन लोगों का बैग नहीं आया था एंड सिर्फ 5 मिनट्स के लिए फ्री है तो पहले से ही बात करके आओ वरना रुकना पड़ेगा थोड़े टाइम और आप पीछे लगा सकते हो वरना यहाँ पे तो नहीं रोक सकते इंटायर द प्रेमिसेस जहाँ से एयरपोर्ट शुरू होता है आप वहाँ से नहीं रोक सकते हो कार वगैरह कुछ भी 2000 years later चलो अब जल्दी से चलते हैं घर एंड वहाँ जाके करेंगे चेंज और जल्दी से निकलेंगे घूमने के लिए अब क्या करना होता है आगे बताओ पाँच से ज्यादा होगा अरे यही कुछ जा वहाँ चलो क्या इनको भी बदला नहीं लिया जाएगा बैंड करना नाक पकड़ना मैं गिरा दे इस वीडियो का करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन नेक्स्ट में हम और भी वंडरफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं गोवा की और दोस्तों के साथ तो और भी बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो बाय